अरे भाइयों, तुम्हें पता है ब्लडी मैरी के बारे में? ब्लडी मैरी, ये कौन सी पक्षी का नाम है? अरे बेवकूफ, ये कोई पक्षी नहीं बल्कि ये एक चुड़ैल है। चुड़ैल? हाहाहा, अरे पागल, चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता है। हंसो मत, यदि ब्लडी मैरी को पता चला ना, वो तुम्हारी आंखें बाहर निकाल लेगी। मैं तो डर गया। बकलूल, हमारी दुनिया में कोई ब्लडी मैरी नहीं है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अपने बाथरूम वाले शीशा के सामने एक कैंडल लेके खड़े हो जाना और ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारना। शीशा के सामने कैंडल लेकर यदि ब्लडी मैरी का नाम लेंगे तो क्या होगा? ब्लडी मैरी वहाँ आ जाएगी और तुम्हें मार डालेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब बकवास वाली बातें हैं। तीनों दोस्त ब्लडी मैरी की बातें करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है। रात होते ही अपने दोस्त की बात मानते हुए समीर एक कैंडल लेकर बाथरूम वाले शीशे के पास खड़ा हो जाता है। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। समीर के 3 बार ब्लडी मैरी बोलने पर भी उसे कुछ नहीं होता है। मुझे पता था, ये सब फालतू बातें हैं। ब्लडी मैरी जैसी कोई नहीं होती है। समीर ब्लडी मैरी को 3 बार पुकारने के बाद सोने चला जाता है। बिस्तर पर जाते ही समीर को नींद आ जाती है। कुछ समय बाद कैंडल अपने आप हवा में उड़ने लगती है और जल उठती है। तभी जंगली जानवरों की अजीबो आवाज सुनाई पड़ती है। समीर तो बहुत गहरे नींद में सोया होता है, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं चलता है कि आखिर उसके घर में क्या हो रहा है। तभी कोई धीरे धीरे समीर के पास जाने लगता है और कुछ आवाजें आती है। तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गई, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। जैसे ही वह समीर को मारने वाली होती है, तभी समीर की नींद टूट जाती है। Oh my God, ये क्या था? मैंने अपने सपने में बहुत ही खतरनाक औरत को देखा जो मुझे मारने वाली थी। बच गया। खतरनाक सपना देखने के बाद समीर बहुत डर जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई छिपकर उसे देख रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं पलंग से नीचे नहीं उतरूंगा, क्या पता सपनों वाली चुड़ैल मेरा पैर खींच ले। समीर इतना ज्यादा डर चुका था कि उसे लगने लगा कि उसके पलंग के नीचे कोई चुड़ैल बैठी हुई है, इसलिए वह डर के मारे फिर से सोने की कोशिश करने लगता है और वह सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह ही कोई समीर के घर का दरवाजा को जोर जोर से पटकने लगता है। खटखट की आवाज से समीर उठ जाता है और बाहर जाकर देखने लगता है। समीर अपने घर के बाहर जाता है तो देखता है कि उसका दोस्त आया हुआ है। अरे समीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक ही हूँ, मुझे क्या हुआ है? चलो अच्छी बात है तुम ठीक हो, क्योंकि मैंने सपने में देखा कि तुम ब्लडी मैरी को बुला रहे हो। समीर अपने दोस्त की बात सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने सच में ब्लडी मैरी को बुलाने की कोशिश की थी। समीर, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? मेरी आंखें लाल है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें हम पर भरोसा नहीं ना है? चलो घर के अंदर वहीं शीशे में देखना। समीर और उसका दोस्त घर के अंदर चले जाता है और समीर बाथरूम वाले शीशे में अपने आप को देखता है तो वहाँ शीशे में ब्लडी मैरी दिखाई पड़ती है। समीर के चिल्लाने की आवाज से उसके दोनों दोस्त बाथरूम में आ जाते हैं। क्या हुआ समीर, तुम चिल्लाए क्यों? शीशे में कोई है, शायद वो ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी का नाम सुनकर दोनों दोस्त डर जाता है। ये कैसे हो सकता है, क्या तुमने ब्लडी मैरी को बुलाया था? हाँ, मैंने कल रात शीशे के सामने ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया था। समीर, ये तुमने क्या कर दिया, ब्लडी मैरी का नाम 3 बार क्यों लिया?
मैंने जो सपना में देखा था वह सच हो गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तीनों दोस्त आपस में बात कर ही रहे थे तभी अचानक समीर दर्द से तड़पने लगता है। हजरत मुझे क्या हो रहा है, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? ओह माय गॉड, ये अचानक समीर को क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? ये क्या हो रहा? समीर के दोस्त समीर को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां ब्लडी मैरी आ जाती है। अरे भागो यहाँ से, ब्लडी मैरी आ गई है। सभी दोस्त भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन समीर भाग नहीं पाता है। ब्लडी मैरी धीरे धीरे समीर के पास पहुंच जाती है और उसे मार देती है। समीर, समीर के मरते ही दोनों दोस्त घर से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा हो गया है। ये रात कैसे हो गई, अभी तो दिन ही था। अरे वो सब छोड़ो, अपने पीछे देखो, ब्लडी मैरी इधर ही आ रही है। ब्लडी मैरी से बचने के लिए दोनों दोस्त वहाँ से भागते हैं। ब्लडी मैरी उन दोनों को पकड़ने के लिए आगे की तरफ शीशा लगा देती है। ब्लडी मैरी ने हमें घेर लिया है, अब कैसे अपनी जान बचाऊं? समीर का दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी उसे अपने दोस्त गुल्ली बुली की याद आती है और वह उसे कॉल करता है। गुल्ली बुली मुझे बचा लो, मुझे ब्लडी मैरी मार देगी। अपने दोस्त की बात सुनकर बुल्ली बोलता है कि मैं एक मिशन में हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं अपने दोस्त गुप्ता जी और मिश्रा जी को कॉल करके तुम्हारे बारे में बताता हूँ। इधर ब्लडी मैरी धीरे धीरे समीर के दोस्त को मारने के लिए उसके नजदीक जाने लगती है। क्या हुआ, गुल्ली बुल्ली हमें बचाने इधर आएगा कि नहीं? नहीं, गुल्ली बुल्ली ने कहा है कि हमें बचाने गुप्ता जी और मिश्रा जी आएगा, तो पता नहीं कब गुप्ता जी और मिश्रा जी आने वाले हैं। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथों से, तुम दोनों बचोगे नहीं। ब्लडी मैरी हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। समीर का दोस्त ब्लडी मैरी से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन ब्लडी मैरी उसका कोई बात नहीं सुनती है। मैं वापस आ गई हूँ, अब सबको मरना होगा। ब्लडी मैरी रुक जाओ, हमारे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। गुप्ता जी की बात सुनकर ब्लडी मैरी रुक जाती है और अपने पीछे मुड़ कर देखती है। कौन हो तुम दोनों, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझे रुकने बोलो? अरे ब्लडी मैरी, ये गुप्ता जी और मैं मिश्रा जी हूँ, और तुम हिम्मत की बात ही मत करो क्योंकि हम दोनों के अंदर काफी हिम्मत है। अच्छा ऐसा है, तो पहले अपनी जान बचा के दिखाओ। ब्लडी मैरी अपनी शक्ति से शीशा का दीवार दो तरफ बना देती है। दोनों शीशा धीरे धीरे गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास जाने लगता है। गुप्ता जी, ये शीशा हमें कुचल देगी, जल्दी से कुछ कीजिए। मिश्रा जी घबराओ नहीं, इस कांच को मैं अभी तोड़ देता हूँ। गुप्ता जी अपनी पूरी ताकत से शीशे पर वार करते हैं। गुप्ता जी के वार से शीशा चकनाचूर हो जाता है। ब्लडी मैरी, तुम वापस चले जाओ कांच की दुनिया में, नहीं तो मारी जाओगी। तुम साधारण सा इंसान, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, तो अब बचो हमसे। गुप्ता जी और मिश्रा जी ब्लडी मैरी को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपनी पूरी शक्ति से ब्लडी मैरी पर हमला करते हैं, लेकिन ब्लडी मैरी को कुछ भी नहीं होता है। गुप्ता जी ये क्या, ब्लडी मैरी को तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मिश्रा जी, ब्लडी मैरी हम लोगों के उम्मीद से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा, इसलिए समीर के दोस्त को पहले बचाते हैं। गुप्ता जी की बात मानते हुए मिश्रा जी तुरंत समीर के दोस्त के पास जाता है। आप दोनों ही गुप्ता जी और मिश्रा जी हैं क्या? हाँ मैं मिश्रा जी और वे गुप्ता जी हैं।
मिश्रा जी हमें बचा लीजिए वरना ब्लडी मेरी हमें मार डालेगी। हाँ हाँ तुम दोनों घबराओ नहीं, गुप्ता जी और मैं तुम दोनों को ही बचाने यहाँ आए हैं। गुप्ता जी तेजी से शीशे पर वार करते हैं जिसके बाद शीशा चकनाचूर हो जाता है और दोनों का रास्ता साफ हो जाता है। तुम दोनों यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। समीर के दोस्त को भागते हुए देखकर ब्लडी मैरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुम दोनों बचोगे नहीं। ब्लडी मैरी अपनी शक्ति का प्रयोग करती है जिससे घर की खिड़की बाहर आ जाती है और गुप्ता जी मिश्रा जी की तरफ हमला करती है। गुप्ता जी अपने आप को बचाइए। ब्लडी मैरी गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आ जाती है और दोनों को खूब मारती है। मिश्रा जी हम दोनों को यहाँ से भागना होगा नहीं तो ब्लडी मैरी हमें मार डालेगी। हाँ गुप्ता जी आपने बिल्कुल सही कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। मिश्रा जी अभी भागो। ब्लडी मैरी के वार से गुप्ता जी और मिश्रा जी फिर से बच जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए ब्लडी मैरी उन दोनों का पीछा करने लगती है। अरे ब्लडी मैरी कहीं और जाओ ना, हमारा पीछा करना छोड़ो ना। मिश्रा जी के बोलने के बाद ही ब्लडी मैरी मिश्रा जी पर हमला कर देती है। आउच, गुप्ता जी तेजी से भागिए, ब्लडी मैरी हमारे नजदीक आते जा रही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी तेजी से भागते हैं लेकिन फिर भी ब्लडी मैरी पीछा करना छोड़ती नहीं है। मिश्रा जी ब्लडी मैरी हमारा पीछा करना छोड़ ही नहीं रही है, लगता है अब हमें बाबा ही बचा सकते हैं। तुम दोनों को अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ब्लडी मैरी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा के पास जाने का फैसला करते हैं। मिश्रा जी जल्दी चलो बाबा का आश्रम, वहीं ब्लडी मैरी से हम दोनों छुटकारा पा सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी किसी तरह ब्लडी मैरी से बचते हुए आश्रम पहुंच जाते हैं। बाबा बाबा आप कहाँ हो, हमें ब्लडी मैरी से बचा लीजिए। बाबा ध्यान में बैठे हुए होते हैं लेकिन मिश्रा जी की आवाज से उनका ध्यान टूट जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? बाबा हमें बचा लीजिए, ब्लडी मैरी हमें मार देगी। मिश्रा जी बाबा को सब कुछ बता ही रहा था तभी ब्लडी मैरी वहाँ आ जाती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुम दोनों कहीं भी आ जाओ लेकिन मेरे हाथों से बचोगे नहीं। रुक जा ब्लडी मैरी, तुम जहाँ से आई हो वापस चली जाओ। बाबा के बोलने पर ब्लडी मैरी बोलती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। ब्लडी मैरी अगर तुम वापस नहीं गई तो मैं अपनी शक्ति से तुम्हें वापस मिरर वर्ल्ड में भेज दूंगा। बाबा की बात सुनकर ब्लडी मैरी को गुस्सा आ जाता है और वह शीशे से हमला करती है। शीशा जैसे ही बाबा के पास आ रहा होता है तभी बाबा अपनी शक्ति से उसे नष्ट कर देते हैं। शीशे के नष्ट होते ही ब्लडी मैरी अपनी शक्ति से पेड़ को हवा में उड़ाती है और फिर बाबा पर वार करती है। पेड़ को अपनी ओर आता देख बाबा अपनी शक्ति से उसे भी नष्ट कर देते हैं। ब्लडी मैरी का सभी वार असफल हो जाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ब्लडी मैरी अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, वापस चले जाओ वरना। ब्लडी मैरी बाबा की बात सुनकर हंसने लगती है और अचानक गायब हो जाती है। बाबा ये ब्लडी मैरी अचानक कहाँ गायब हो गई? पता नहीं गुप्ता जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबा मुझे लगता है वो डर के मारे भाग गई है। ऐसा मुझे नहीं लगता मिश्रा जी, पीछे हटो जल्दी से। बाबा अपनी शक्ति से उस चट्टान को नष्ट कर देते हैं। बाबा हम पर कौन हमला कर सकता है इस चट्टान से? गुप्ता जी ब्लडी मैरी ने ही हम पर हमला किया है। लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? गुप्ता जी वो अपनी मिरर शक्ति से अपने आप को गायब की हुई है। गुप्ता जी मुझे बचाइए, कोई मुझे पकड़ के रखा है। मिश्रा जी की बात सुनकर गुप्ता जी और बाबा समझ जाते हैं कि ब्लडी मैरी ही मिश्रा जी को पकड़ के रखी है। गुप्ता जी मुझे बचाइए, वो मुझे अपनी ओर खींच रही है। बाबा अब क्या करें, मिश्रा जी को कैसे बचाएं? गुप्ता जी तुम ब्लडी मैरी का ध्यान अपनी ओर खींचो, तब तक मैं अपने ध्यान से उसे असली रूप में लाता हूँ।
बाबा ध्यान में बैठ जाते हैं और गुप्ता जी मिश्रा जी के नजदीक जाने लगता है। जैसे ही गुप्ता जी मिश्रा जी के पास जाते हैं तभी ब्लडी मैरी गुप्ता जी को खूब मारती है। ब्लडी मैरी तुम बचोगी नहीं, ब्लडी मैरी गुप्ता जी को छोड़ दो। ब्लडी मैरी किसी का बात नहीं सुनती है और लगातार गुप्ता जी को मारते रहती है। इधर बाबा अपनी ध्यान से एक शक्ति उत्पन्न करते हैं जो ब्लडी मैरी को जाकर लगती है। बाबा के वार से ब्लडी मैरी वापस से सबको दिखाई पड़ने लगती है। ब्लडी मैरी अब तुम बचोगी नहीं। बाबा ब्लडी मैरी को मारने के लिए मन में एक मंत्र बोलते हैं, तभी ब्लडी मैरी डर जाती है और बाबा को रुकने बोलती है। बाबा रुक जाइए, मैं वापस मिरर वर्ल्ड में जा रही हूँ। ब्लडी मैरी अपनी शक्ति से एक मिरर लाती है और उसमें जाने लगती है। बाबा मैं तो जा रही हूँ लेकिन साथ में मिश्रा जी भी जाएगा। ब्लडी मैरी अपनी शक्ति से मिश्रा जी को अपनी ओर खींच लेती है और मिरर वर्ल्ड में चले जाती है। गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। मिश्रा जी, बाबा मिश्रा जी की जान खतरे में है, ब्लडी मैरी ने उसे अपने साथ मिरर वर्ल्ड में ले गई। हाँ गुप्ता जी तुमने सही कहा, मिश्रा जी का जान खतरे में है। तो बाबा जल्दी कुछ कीजिए, मिश्रा जी को बचाइए। गुप्ता जी ये काम इतना आसान नहीं है क्योंकि सबसे पहले मुझे मिरर वर्ल्ड का दरवाजा खोलना होगा, तब जाके मिश्रा जी को बचा सकते हैं। बाबा की बात सुनकर गुप्ता जी बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि जब तक मिरर वर्ल्ड का दरवाजा खुलता नहीं है तब तक मिश्रा जी की कोई मदद नहीं कर सकता था। इधर मिरर वर्ल्ड का दरवाजा खोलने के लिए बाबा ध्यान में बैठ जाते हैं। जब तक बाबा मिरर वर्ल्ड का दरवाजा खोलते हैं तब तक मैं क्यों ना रॉड को यहाँ ले आऊं और उसे भी मिरर वर्ल्ड में ले चलूं। मिश्रा जी की मदद के लिए गुप्ता जी रॉड को अपने साथ मिरर वर्ल्ड में ले जाना चाहता था, इसलिए वह रॉड के पास जाने लगता है। पता नहीं मिरर वर्ल्ड में मिश्रा जी ठीक भी होगा या नहीं। गुप्ता जी मिश्रा जी के बारे में सोचते सोचते रॉड के फैक्ट्री पहुँच जाता है। फैक्ट्री पहुँचते ही गुप्ता जी देखता है कि रॉड बाहर ही घूम रहा है। रॉड अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए, हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। गुप्ता जी के बोलने पर रॉड पूछता है कि बात क्या है। गुप्ता जी ब्लडी मैरी की घटना रॉड को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि मिश्रा जी मिरर वर्ल्ड में फंस गया है इसलिए उसे हमारी मदद की आवश्यकता है। गुप्ता जी की बात सुनते ही रॉड मिश्रा जी का मदद करने को तैयार हो जाता है और दोनों बाबा के पास जाने लगते हैं। इधर बाबा अपनी शक्ति से मिरर वर्ल्ड का दरवाजा खोल देते हैं और तब तक गुप्ता जी और रॉड वहां पहुंच जाते हैं। गुप्ता जी 2 घंटे के लिए मिरर वर्ल्ड का दरवाजा खुल गया है, तुम यहीं मिरर के पास रहना, मैं मिश्रा जी को यहां लेके आता हूं। बाबा आप अकेले जा रहे हैं? हां गुप्ता जी। नहीं बाबा आपके साथ मैं और रॉड भी जाएंगे। नहीं गुप्ता जी वहां बहुत खतरा है, मुझे पता नहीं अंदर क्या होगा, इसलिए मिश्रा जी के साथ साथ अब तुम दोनों का जान खतरे में डाल नहीं सकता। बाबा गुप्ता जी को समझा कर खुद मिरर वर्ल्ड की दुनिया में जाने लगते हैं। रॉड बाबा ने सही नहीं किया हमें यहाँ छोड़कर, खुद अकेले चले गए, अब पता नहीं मिरर वर्ल्ड में क्या हो रहा होगा। गुप्ता जी के मन में कई तरह के विचार आ रहे होते हैं और उधर बाबा मिरर वर्ल्ड की दुनिया में प्रवेश करते हैं। मिरर वर्ल्ड की दुनिया में प्रवेश करते ही बाबा देखते हैं कि चारों तरफ शीशा ही शीशा है। मैं मिरर वर्ल्ड में आ तो गया लेकिन मिश्रा जी कहाँ हो सकता है, मुझे पता लगाना होगा। बाबा अपनी शक्ति से जैसे ही मिश्रा जी का पता लगाने लगते हैं तभी बाबा को ब्लडी मैरी की हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। ये तो ब्लडी मैरी की हंसने की आवाज है। बाबा ब्लडी मैरी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं लेकिन ब्लडी मैरी कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। इधर उधर क्या देख रहे हो बाबा, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। बाबा अपने सामने देखते हैं तो वहाँ ब्लडी मैरी होती है। ब्लडी मैरी मिश्रा जी कहाँ है जल्दी से बताओ। मिश्रा जी तो मारा गया।
क्या तुमने मिश्रा जी को मार दिया? गुप्ता जी तुम यहाँ क्यों आए? मैंने मना किया था ना। गुप्ता जी तुम्हारा स्वागत है इस दुनिया में। बाबा मुझे आश्रम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। और तुम ब्लडी मैरी, यदि मिश्रा जी को कुछ हुआ होगा तो तुम्हारा मिरर की दुनिया को मैं तबाह कर दूंगा। गुप्ता जी के जवाब में ब्लडी मैरी बोलती है कि ये मेरी दुनिया है, यहाँ मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तुम मेरा और मेरी दुनिया का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। ब्लडी मैरी अपनी सेना को आदेश देती है कि वह गुप्ता जी और बाबा को पकड़ ले। गुप्ता जी ब्लडी मैरी बिना मार खाए नहीं मानेगी, चलो इसे सबक सिखाते हैं। हाँ बाबा, इस मैरी की तो अब खैर नहीं। बाबा अपनी शक्ति से गुप्ता जी को अस्त्र दे देते हैं। गुप्ता जी बाबा का अस्त्र से ब्लडी मैरी के गुलाम पर हमला करते हैं। गुप्ता जी एक एक करके ब्लडी मैरी के गुलाम को मारने लगते हैं। ब्लडी मैरी के गुलाम को गुप्ता जी मारते हैं, लेकिन वह फिर से जीवित हो जाता है। बाबा ये सब मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो रहा है। हाँ गुप्ता जी, लगता है ये सभी अस्त्र से नहीं मर सकता है। क्या हुआ गुप्ता जी? मेरे गुलाम को मारना तुम लोगों की बस की बात नहीं है। बाबा इसे आपकी शक्ति के बारे में पता नहीं है, इसलिए ब्लडी मैरी ऐसा बोल रही है। ब्लडी मैरी के गुलाम बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए बाबा अपने अग्नि से सभी को जलाने लगते हैं। बाबा के अग्नि शक्ति के सामने सभी गुलाम एक एक करके जलने लगता है और कंकाल बन जाता है। अपने गुलाम को कंकाल बनता देख ब्लडी मैरी फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। बाबा ब्लडी मैरी के गुलाम को आप जला दिए, लेकिन फिर भी ब्लडी मैरी हंस क्यों रही है? गुप्ता जी उसका कारण वो है। गुप्ता जी देखते हैं ब्लडी मैरी का गुलाम जलने के बाद भी मरा नहीं, वह वापस से खड़ा हो गया है। बाबा ये क्या, सभी गुलाम वापस से जिंदा हो गया? गुप्ता जी लगता है इसे मारा नहीं जा सकता है। अब बाबा क्या करें, ये सब हमारी तरफ ही आ रहा है। गुप्ता जी मैंने कहा था तुम्हें यहाँ नहीं आने को, अब मिश्रा जी के साथ अब तुम्हारी भी जान खतरे में है। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। गुप्ता जी अब तुम यहाँ से भागो और मिश्रा जी को ढूंढो, तब तक मैं इन सभी को रोकता हूँ। मिश्रा जी को ढूंढने के लिए गुप्ता जी मिरर वर्ल्ड में इधर उधर भागते रहते हैं, और इधर बाबा अकेले सभी शैतानों का मुकाबला करते हैं। इसे रोकना बहुत मुश्किल है, मुझे कुछ और करना होगा। बाबा अपनी शक्ति से एक पिंजरा का निर्माण करते हैं और सभी को कैद कर देते हैं। उधर गुप्ता जी मिश्रा जी को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है। मिश्रा जी आप कहाँ हो? मिश्रा जी, गुप्ता जी, ये तो गुप्ता जी की आवाज है। गुप्ता जी मैं यहाँ हूँ। मिश्रा जी गुप्ता जी को पुकारने लगते हैं। मिश्रा जी की आवाज सुनकर गुप्ता जी वहाँ पहुँच जाते हैं। मिश्रा जी आप ठीक तो है ना? हाँ गुप्ता जी मैं ठीक हूँ, बस ब्लडी मैरी ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। रुको मैं इस शीशे को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। गुप्ता जी शीशे के पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिंजरा टूटता नहीं है। मिश्रा जी पिंजरा टूट नहीं रहा है, मैं बाबा को यहाँ लेकर आता हूँ। गुप्ता जी वापस बाबा के पास जाने लगते हैं, और उधर बाबा ने ब्लडी मैरी के गुलाम को पिंजरे में कैद किए हुए होते हैं, इसलिए ब्लडी मैरी को गुस्सा आ जाता है। बाबा तुम मेरे गुलाम को कैद किए हो, लेकिन इसे कैद नहीं कर पाओगे। जग्गू जाओ बाबा को मार डालो। अब जग्गू कौन हो सकता है? बाबा देखते हैं कि कोई उछलते हुए उसकी तरफ आ रहा है। ये तो जंपर की तरह दिख रहा है। जंपर की तरह दिखने वाला जग्गू बाबा पर लेजर से हमला करता है। जग्गू का हमला से बाबा दूर गिर जाते हैं। बाबा क्या हुआ, मेरे जग्गू के सामने तुम्हारी ताकत कम पड़ गई क्या? मिरर वर्ल्ड की दुनिया में अच्छाई की ताकत बहुत कमजोर हो जाती है, इसलिए बाबा ब्लडी मैरी के गुलाम और जग्गू का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। जग्गू का वार से बाबा घायल हो जाते हैं। क्या हुआ बाबा, बस इतनी ताकत है क्या तुम्हारे पास? ब्लडी मैरी के बोलने पर बाबा वापस से खड़े हो जाते हैं। ब्लडी मैरी तुम्हें अपनी शक्ति का बहुत घमंड है ना, मैं तुम्हारा घमंड अवश्य तोड़ूंगा। Okay.
ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा अवश्य होगा ब्लडी मैरी। जग्गू को हराने के लिए बाबा जंपर को पुकारते हैं। जंपर, तुम्हें तुम्हारे बाबा पुकार रहे हैं, जल्दी से यहाँ आ जाओ। बाबा के पुकारने पर जंपर तुरंत मिरर वर्ल्ड की दुनिया में आ जाता है। ये कौन है बाबा? ब्लडी मैरी, तुम्हारे जग्गू की तरह शक्तिशाली ये हमारा जंपर है। ये छोटा सा जंपर मेरे जग्गू के सामने दो पल भी नहीं दिख सकता। ब्लडी मैरी, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, मेरा जंपर तुम्हारी जग्गू से कम नहीं है। बाबा जंपर को इशारा देते हैं कि वह अपना साइज बड़ा कर ले। बाबा की बात मानते हुए जंपर अपना साइज बड़ा कर लेता है। जग्गू, अब निकलेगा तेरा हग्गू। जंपर जाओ, जग्गू का हग्गू निकालो। बाबा का आदेश पाते ही जंपर तेजी से जग्गू के पास जाने लगता है और जग्गू भी तेजी से जंपर के पास जाने लगता है। दोनों तेजी से आपस में टकराता है जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जंपर और जग्गू के पास काफी ताकत होता है, इसलिए जोरदार ब्लास्ट होने पर भी दोनों में से किसी को कुछ नहीं होता है। जग्गू, जंपर को जिंदा मत छोड़ना। ब्लडी मैरी की बात मानते हुए जग्गू अपनी शक्ति से जंपर पर हमला करता है। जग्गू के हमला से जंपर अपने आप को बचा लेता है और वापस से जग्गू पर हमला करता है। जंपर का हमला से जग्गू दूर गिर जाता है। जग्गू वापस से उठता है और जंपर पर फिर से हमला करता है और इस बार जंपर दूर गिर जाता है। जग्गू और जंपर के बीच काफी लड़ाई चलती है जिसके चलते जंपर बहुत थक जाता है और वह वहीं गिर जाता है। बहुत अच्छे जग्गू, अब तुम जंपर का अंत कर दो। जंपर को मारने के लिए जग्गू धीरे धीरे उसके नजदीक पहुंचता है, लेकिन तभी जंपर उठकर एक जोरदार हमला करता है जिसके चलते जग्गू का हग्गू निकल आता है। ब्लडी मैरी अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने कंकाल को कैद से बाहर निकाल देती है। तभी वहाँ गुप्ता जी भी पहुँच जाते हैं। बाबा मिश्रा जी का पता चल गया है, वह कांच का पिंजरा में कैद है। बहुत खूब गुप्ता जी, चलो मिश्रा जी को बचाते हैं। गुप्ता जी और बाबा को रोकने के लिए ब्लडी मैरी का कंकाल आगे आ जाता है। जंपर, मैं और गुप्ता जी मिश्रा जी को वापस लाते हैं, तब तक तुम इस कंकाल को संभालो। बाबा की बात मानते हुए जंपर कंकाल से मुकाबला करने लगता है। कंकालों का ध्यान भटकते ही गुप्ता जी और बाबा तुरंत मिश्रा जी के पास जाने लगते हैं। गुप्ता जी, तुम मिश्रा जी को वापस नहीं ले जा पाओगे। ब्लडी मैरी अपने सबसे खतरनाक दानव को आदेश देती है कि वह गुप्ता जी और बाबा को कुचल दे। बाबा इधर चलिए, मैंने इधर ही मिश्रा जी को कैद देखा था। गुप्ता जी बचो। बाबा ये तो ब्लडी मैरी का दानव है। गुप्ता जी, अब बच के दिखाओ मेरा सबसे खतरनाक दानव से। गुप्ता जी, ये दानव हमें कुचल देगा, पीछे भागो। गुप्ता जी तुरंत पीछे हट जाते हैं। बाबा अब इस दानव से कैसे बचेंगे और इसका अंत कैसे होगा? गुप्ता जी, मैं अपनी शक्ति से इसे मारने की कोशिश करता हूँ। बाबा अपनी शक्ति से उस दानव पर हमला करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। दानव गुप्ता जी और बाबा को कुचलने के लिए तेजी से कूदता है। गुप्ता जी, इस दानव को मारने के लिए मुझे अपना साइज बड़ा करना होगा। दानव को मारने के लिए बाबा अपना साइज को बड़ा कर लेते हैं। दानव, तुम्हारा उछलना अभी बंद करता हूँ। बाबा अपने अस्त्र से जोरदार वार करते हैं। अस्त्र के जोरदार वार से दानव वहीं जमीन पर गिर जाता है। दानव के मरते ही बाबा वापस से अपने साइज में आ जाते हैं। गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए। मिश्रा जी, ब्लडी मैरी, यदि मिश्रा जी को कुछ हुआ तो तुम बचोगी नहीं। गुप्ता जी,
मिश्रा जी अभी मारा जाएगा। ठीक है बस मिश्रा जी को कुछ मत करना। गुप्ता जी, यदि मिश्रा जी को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम बाबा पर हमला करो। बाबा पर हमला मैं करूं? मुझसे नहीं होगा। यदि तुमने नहीं हमला किया तो मिश्रा जी मरेगा। रुको ब्लडी मैरी, गुप्ता जी मुझ पर हमला अवश्य करेगा। बाबा गुप्ता जी को बोलते हैं कि मुझ पर हमला करो, गुप्ता जी नहीं चाहते हुए भी बाबा पर हमला करते हैं। नहीं गुप्ता जी, मेरे चलते आप ऐसा मत कीजिए। बाबा को मार खाता देखकर ब्लडी मैरी को बहुत खुशी मिलती है। गुप्ता जी बाबा को मार रही होते हैं तभी ब्लडी मैरी चुपचाप अपने दानव को जिंदा कर देती है। दानव जैसे ही जिंदा होता है तो वह गुप्ता जी और बाबा को कुचलने के लिए हवा में उड़ता है। दानव जैसे ही गुप्ता जी और बाबा को कुचलने वाला होता है तभी वहां रॉड आ जाता है और वह अपने नाइट्रोजन गैस से उस दानव को जमा देता है। दानव के जमते ही ब्लडी मैरी को गुस्सा आ जाता है। तुम कौन हो नालायक, तुमने मेरे दानव को क्यों जमाया? ब्लडी मैरी के पूछने पर रॉड बोलता है कि मैं गुप्ता जी का दोस्त हूँ और तुमने मिश्रा जी को कैद किया था, इसलिए मैंने तुम्हारे दानव को जमा दिया। तुमने गलत किया, अब मिश्रा जी मरेगा। ब्लडी मैरी जैसे ही मिश्रा जी को मारने वाली होती है तभी जंपर ब्लडी मैरी के पीछे आ जाता है और पीछे से हमला करता है। जंपर का हमला से ब्लडी मैरी नीचे गिर जाती है और तभी मिश्रा जी भी बाबा के पास आ जाता है। बहुत अच्छे जंपर और रॉड, तुम दोनों के चलते मिश्रा जी बच गया और तुम ब्लडी मैरी अब बचोगी नहीं। ब्लडी मैरी अपनी जान बचाने के लिए शीशे से वार करती है लेकिन बाबा उसे बहुत आसानी से तोड़ देते हैं। ब्लडी मैरी, अब तुम कुछ भी कर लो लेकिन बचोगी नहीं। बाबा अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए ब्लडी मैरी को शॉक देते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक से ब्लडी मैरी का हाल बहुत खराब हो जाता है और वह वहीं गिर जाती है। बाबा मिरर वर्ल्ड से वापस जाने का रास्ता बंद होने वाला है, जल्दी चलिए यहाँ से। सभी लोग जल्दी से मिरर वर्ल्ड की दुनिया से बाहर जाने लगते हैं। एक एक करके सभी लोग मिरर वर्ल्ड की दुनिया से बाहर निकलने लगते हैं। गुप्ता जी, हम सब तो वापस आ गए मिरर वर्ल्ड से और ब्लडी मैरी भी मारी गई। हाँ मिश्रा जी, चलिए अपने घर चलते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और रॉड बाबा को प्रणाम करके अपने अपने घर जाने लगते हैं। बाबा, मैं फिर आऊंगी तुम्हारी दुनिया में, बस मुझे इंतजार है उस दिन का जिस दिन कोई शीशे में ब्लडी मैरी का नाम तीन बार लेगा, फिर तुम में से कोई नहीं बचेगा। तो दोस्तों, ब्लडी मैरी का सीजन 1 आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट स्टोरी किसकी देखनी है हमें बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।